इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 0-2 से पिछड़ रही भारतीय टीम तीसरे टेस्ट में कई बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतर सकती है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट नॉटिंघम में 18 अगस्त से खेला जाएगा। भारत को अपनी उम्मीदों को बनाए रखने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना होगा। वहीं पिछले 2 मैचों में दयनीय प्रदर्शन की वजह से टीम में बड़े बदलाव होना तय दिख रहा है। आपको बता दें कि अंगूठे की चोट से उभर चुके तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की इस मैच से वापसी होगी। हालांकि बुमराह लास्ट टेस्ट से पहले ही फिट हो चुके थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट उन्हें लॉर्ड्स में उतार कर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। जबकि अब टीम की नाजुक स्थिति को देखते हुए बुमराह का तीसरे मैच में खेलना तय है। बात करें टीम में दूसरे बदलाव की, तो विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का इस सीरीज में अभी तक प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। दरअसल नियमित विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा के चोटिल होने की वजह से कार्तिक को टीम में मौका मिला, लेकिन कार्तिक ने अभी तक खेले गए दोनों टेस्ट मैचों में निराश किया है। बल्लेबाजी में तो नाकाम हुए ही, साथ ही उनकी विकेट कीपिंग भी कुछ खास नहीं रही। हालांकि कार्तिक ने पहले टेस्ट की बजाय दूसरे टेस्ट में अच्छी विकेट कीपिंग की, लेकिन बल्लेबाजी में पूरी तरह से फ्लॉप रहे और कार्तिक ने 2 मैचों की 4 पारियों में मात्र 21 रन बना सके। वहीं अब उनकी जगह तीसरे टेस्ट में युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टेस्ट डेब्यू का मौका मिलना तय है। पंत ने आईपीएल में जहां तेज बल्लेबाजी की थी, वहीं इंग्लैंड में भारत ए की तरफ से उन्होंने बड़े फॉर्मेट में भी शानदार प्रदर्शन किया। ऋषभ प्रथम श्रेणी मैचों में भी शानदार औसत से रन बनाए हैं और उनका सबसे मजबूत पक्ष भी यही है। ऋषभ अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और वर्तमान टेस्ट सीरीज में भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है कि भारतीय बल्लेबाज विपक्षी गेंदबाजों को अपने ऊपर हावी होने का मौका दे रहे हैं। ऐसे में ऋषभ पंत जैसा धुरंधर बल्लेबाज ही इंग्लिश गेंदबाजों की धुनाई कर दबाव में ला सकता है। भारत को यदि तीसरा टेस्ट मैच जीतकर सीरीज में अपनी उम्मीदों को बनाए रखना है, तो सकारात्मक सोच के साथ मैच में उतरना होगा। मेहमान टीम इंडिया इस मैच में 2 से ज़्यादा भी बदलाव कर सकती है। हालांकि काफ़ी कुछ पिच की स्थिति पर भी निर्भर करेगा।